नमस्कार, आप देख रहे हैं बस्तर की बात और आज मैं हूं आपके साथ गायत्री आचार्य। कोविड की लंबी त्रासदी हमने झेली है, फिलहाल उस स्थिति से हम गुजर तो चुके हैं लेकिन खतरा अभी टला नहीं है। ध्यान रहे, सुरक्षित हम अभी भी नहीं हैं, इसलिए कोविड से बचाव के सारे नियम अपनाएं और खुद को दूसरों को भी कोरोना से बचाएं। इन्हीं बातों के साथ आइए नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के ऋण लेने के इच्छुक व्यक्तियों से 25 जून तक आवेदन आमंत्रित। दलपत सागर सड़क चौड़ीकरण के लिए पेड़ कटाई का हो रहा विरोध। पुलिस विभाग में हुई फेरबदल, गेंदले को वापस यातायात का प्रभार दिया गया। और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का प्रांत स्तरीय संघ शिक्षा वर्ग प्रथम वर्ष का हुआ आयोजन। और अब खबरें विस्तार से। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ छत्तीसगढ़ प्रांत का 20 दिवसीय संघ शिक्षा वर्ग प्रथम वर्ष का आयोजन स्थानीय कंगोली स्थित सरस्वती शिशु मंदिर में संपन्न हुआ। बुधवार को समापन समारोह का शुभारंभ ध्वज प्रणाम और भोज परिक्रमा परेड के साथ हुआ। कार्यक्रम में आलेख महिमा संस्था के स्वामी वासुदेवानंद महाराज मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित हुए। उन्होंने अपने उद्बोधन में कहा कि मानव जीवन पुरुषार्थ के कार्य करने के लिए मिला है। जीवन में सर्वप्रथम धर्म की साधना करनी चाहिए। सनातन धर्म है जो दूसरे धर्म के परिप्रेक्ष्य में सबसे उत्तम और महान ज्ञान प्रदान करता है। उन्होंने कहा कि परम श्रद्धा शरीर के अंदर है, जीवात्मा है जिसमें परमात्मा का अंश समाहित है। उन्होंने कहा कि धर्म दो प्रकार के होते हैं, राज्य धर्म और स्वधर्म। दोनों ही मार्ग परमार्थ प्राप्ति के लिए होता है। संस्कृति परंपरा और स्थान की रक्षा के लिए राष्ट्र धर्म का पालन करना जरूरी है। उन्होंने कहा कि धर्म का अर्थ नियम का पालन करना भी है। मुख्य वक्ता के रूप में उपस्थित हेमंत मुक्तिबोध ने कहा कि संघ एक दिन या किसी एक की संस्था नहीं है, ये भारत के हर एक भारतीय की आवाज़ है। सभी के संगठित होकर कदम से कदम मिलाकर चलने का एक संकल्प है कि हम भारतीय हैं। लोगों में जब तक भेदभाव समाप्त नहीं होगा और भारत एक संगठित राष्ट्र के रूप में उभर कर विश्व गुरु के सामने तभी आ पाएगा। कौन है हमारे संस्कार और संस्कृति को संरक्षित रख सकते हैं? हमारे संस्कार और संस्कृति को संरक्षित रखना ही संघ का उद्देश्य है। भारत और हिंदुत्व एक दूसरे के पूरक हैं, एक दूसरे के बिना इनकी कल्पना नहीं की जा सकती। स्थानीय दलपत सागर चौक से धर्मपुरा पहुंच सड़क चौड़ीकरण का कार्य किया जा रहा है। इस सड़क चौड़ीकरण में लगभग 150 पेड़ों को काटने के लिए चिन्हांकित किया गया है, लेकिन इंद्रावती बचाओ अभियान और बस्तर विश्वविद्यालय के फॉरेस्ट्री में पढ़ने वाले विद्यार्थी इसका पुरजोर विरोध कर रहे हैं। इन लोगों का कहना है कि पेड़ों को बगैर काटे सड़क चौड़ीकरण का कार्य किया जाना चाहिए, क्योंकि इनमें कई वर्षों पुराने पेड़ हैं और ये सर्वविदित है कि दलपत सागर में विदेशों से भी पक्षी आते हैं और इन पेड़ों पर उनका वास रहता है। इस संबंध में इंद्रावती बचाओ अभियान से जुड़े किशोर पारख ने कहा, नहीं, इसी में हमारा विरोध है और हम लोग जो इंद्रावती बचाओ अभियान के सदस्य हैं और बहुत सारे हमारे महाविद्यालय के छात्र छात्राएं हैं और नगरवासी भी हैं और सभी का यह मानना है कि इन पेड़ों की कटाई नहीं होनी चाहिए। आप वहाँ पर ध्यान से देखें तो वहाँ पर बहुत सारी संभावना है कि उन पेड़ों को रहते हुए भी उस रोड को थोड़ा सा चौड़ा किया जा सकता है। ये जरूर संभव नहीं होगा कि जितना वो लोग चाहते हैं उतना चौड़ा होगा, मगर थोड़ा सा कम चौड़ा करके भी हम यातायात को वहाँ पर सुगम बना सकते हैं। और दूसरी बात यह है कि वहाँ पर बहुत सारे पेड़ ऐसे हैं जो 150 से 200 साल पुराने हैं और ऐसे पेड़ ऐतिहासिक पेड़ हैं। इनके साथ बहुत सारी जो हमारी बस्तर की ऐतिहासिक यादें हैं उनसे जुड़ी हुई हैं, तो उन पेड़ों को संभालना बहुत ज़रूरी है। तो और उसके साथ एक जो सबसे बड़ी जो चीज़ है, ये हमारा जो क्षेत्र है
एक प्रकार का पक्षी अभयारण्य बन गया है। यहाँ पे बहुत से देशों के पक्षी यहाँ पे आते हैं और जो यहाँ पे गणना की गई है वो लगभग 185 प्रकार के जो पक्षी हैं वो यहाँ पे लगातार आते रहते हैं, जाते रहते हैं। तो एक उनके लिए एक ये आसान सी जगह है और जहाँ ये लोग आसानी से और बहुत अच्छे से रह पाते हैं। और दूसरी बात यह है कि देखिए ये हमारे ये जो पेड़ हैं ये हमको ऑक्सीजन देते हैं, कार्बन जो है पूरा सोख के रखते हैं। तो अगर हम वहाँ पे सुंदरता ही चाह रहे हैं तो वातावरण को डिस्टर्ब करके कैसी सुंदरता बनेगी? वातावरण के साथ, पर्यावरण के साथ जो सुंदरता है वही वहाँ पे अच्छी लगेगी। तो इसके लिए पूरी तरह की संभावना है और हर तरह से वहाँ पे समाधान हो सकता है। थोड़ा सा शासन प्रशासन को चाहिए कि एक जो अच्छा मार्ग जो निकल सकता है दोनों के बीच का, उसको निकालने का प्रयास करें और हम हर तरह से सहयोग देने को तैयार हैं, मगर ये जो पर्यावरण है वो हमारा सुरक्षित रहना चाहिए। अधिकांश नीलगिरी के पेड़ हैं उसमें? देखिए नीलगिरी के कुछ पेड़ हैं, उसमें कोई अड़चन नहीं है कि वो उन पेड़ों के बीच में ही हैं। हालांकि नीलगिरी के पेड़ भी उन पेड़ों के बीच में ही हैं, तो नीलगिरी के पेड़ तो अलग हैं, वो हालांकि बहुत पानी को सोखते हैं और पर्यावरण के लिए उतने लाभप्रद नहीं है। एक बात जो मैं और कहना चाहूँगा कि दलपत सागर के चारों ओर रोड बन रही है, तो हम यातायात को इस तरह से भी व्यवस्थित कर सकते हैं कि एक तरफ से लोग आएं और एक तरफ से जाएं, तो एक सुगम रास्ता निकल सकता है। पिछले वर्ष धर्मपुरा मार्ग चौड़ीकरण के दौरान भी पेड़ों की कटाई की जा रही थी। इन पेड़ों का स्थानांतरण कर दलपत सागर के किनारे और शहीद महेंद्र कर्मा विश्वविद्यालय के परिसर में लगाया गया था, लेकिन ये प्रयोग आशातीत सफल नहीं रहा। इस संबंध में अपने विचार व्यक्त करते हुए प्रमुख वन संरक्षक शाहिद खान ने बताया, दरअसल रोड का चौड़ीकरण भी जो है ज़रूरी है और साथ ही साथ जो है वृक्ष कम से कम कटें ये भी जो है आवश्यक है। तो इसके लिए जो है पिछले साल जैसा आपने बताया कि यहाँ एक प्रयास किया गया था, चितकोट रोड पर जो है कुछ झाड़ करीब जो है 40-45 झाड़ों को जो है शिफ्ट किया गया था, लेकिन उसका जो है परिणाम बहुत अच्छा जो है नहीं दिख रहा है। कारण हो सकता है कि वो ज़्यादा जो है पुराने झाड़ थे, मोटे थे, इसलिए जो है उनकी सिफ्टी में उनकी जड़ जो है डैमेज हुई हो, जिसके वजह से जो है वो पूरी तरीके से जो है सभी झाड़ जो है जीवित नहीं है। जहाँ तक रही बात जो है अभी उसमें वृक्षों के जो है शिफ्ट करने का, इसके लिए जो है DFO बस्तर के द्वारा जो है एक टेंडर भी जो है जारी किया गया है उनको शिफ्ट करने में। इस बार हम लोग जो है प्रयास करेंगे और देखेंगे, पिछली बार जो है जो गलतियां हुई हैं जिसके वजह से जो है झाड़ सफल नहीं हुआ जिनका जो है शिफ्टिंग का काम, तो इस बार जो है वो गलती ना हो, ये हमारा जो है प्रयास रहेगा। और ये अच्छी बात है कि हाँ इंद्रावती बचाओ जो है के जो सदस्य हैं उनके द्वारा जो है इस पर आवाज़ उठाई गई है। जिला अंत्यावसायी सहकारी विकास समिति जगदलपुर जिला बस्तर द्वारा अनुसूचित जनजाति वित्त और विकास निगम और अन्य पिछड़ा वर्ग के योजनाओं के अंतर्गत ऋण लेने के इच्छुक व्यक्तियों से 25 जून 2022 तक आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला अंत्यावसायी सहकारी समिति ने बताया कि छत्तीसगढ़ राज्य अंत्यावसायी सहकारी वित्त एवं विकास निगम रायपुर द्वारा वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए अनुसूचित जनजाति वित्त एवं विकास निगम की विभिन्न योजनाओं और पिछड़ा वर्ग के अंतर्गत ऋण वितरण हेतु लक्ष्य प्राप्त हुआ है। इसके अंतर्गत अनुसूचित जनजाति वर्ग के युवा एवं युवतियों को कृषि, सेवा, उद्योग और परिवहन क्षेत्रों के संभावित व्यवसायों के लिए और पिछड़ा वर्ग के युवा युवतियों को छोटे व्यवसायों के लिए आर्थिक सहायता प्रदान करने हेतु ऋण प्रदान करने के लक्ष्य प्राप्त हुए हैं। इस योजना का लाभ लेने के लिए आवेदकों को अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग का होना आवश्यक है। आवेदक की आयु 18 वर्ष से कम और 50 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। आवेदक की वार्षिक आय शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्र में 3 लाख से अधिक नहीं होनी चाहिए। वाहन संबंधी योजना के लाभ लेने के लिए आवेदक कमर्शियल लाइसेंस होना आवश्यक है। आवेदक को आवेदन पत्र के साथ सक्षम अधिकारी द्वारा प्रमाणित जाति, निवास, आय और आधार कार्ड, परिचय पत्र, राशन कार्ड प्रस्तुत करना अनिवार्य है।
ऋण हेतु इच्छुक आवेदकों को अपना आवेदन पत्र कार्यालय जिला अंत्यावसायी सहकारी विकास समिति संयुक्त जिला कार्यालय परिसर जगदलपुर में सुबह 10 बजे से 5:30 बजे तक जमा करना अनिवार्य है। इस संबंध में विस्तृत जानकारी के लिए कार्यालय में संपर्क किया जा सकता है। पुलिस अधीक्षक द्वारा 1 जून को एक स्थानांतरण आदेश जारी किया गया, जिसमें निरीक्षक से लेकर उप निरीक्षक, प्रधान आरक्षक, आरक्षक आदि को स्थानांतरित किया गया है। वहीं लंबे समय से लाइन में रहे गेंदले को वापस यातायात का प्रभार दिया गया है। तो वहीं पखनार में प्रभारी रहे ज्ञानेंद्र चौहान को दरभा थाना भेजा गया है। हम आपको बता दें कि बुधवार को पुलिस अधीक्षक जितेंद्र सिंह मीणा के द्वारा एक स्थानांतरण आदेश निकाला गया, जिसमें पुलिस लाइन में पदस्थ निरीक्षक शिव शंकर गेंदले को यातायात विभाग का प्रभारी बनाया गया है। वहीं यातायात प्रभारी कौशलेश देवांगन को रक्षित केंद्र भेजा गया। वहीं पुलिस लाइन में पदस्थ चंद्रशेखर श्रीवास को बकावंड थाना का प्रभार दिया गया है। रक्षित केंद्र में ही पदस्थ सुरेंद्र श्रीवास को करपावन थाना का प्रभार दिया गया। करपावन थाना प्रभारी शिव हुर्रा को ककनार चौकी का प्रभार दिया गया है। वहीं निरीक्षक राकेश राठौर चौकी पखनार से थाना घोटिया भेजा गया। उप निरीक्षक ज्ञानेंद्र चौहान को चौकी प्रभारी ककनार से दरभा थाना भेजा गया है। उप निरीक्षक पीयूष बघेल को थाना कोतवाली से चौकी प्रभारी पखनार, उप निरीक्षक सरिता मानिकपुरी को रक्षित केंद्र से थाना नगरनार, प्रधान आरक्षक बबलू ठाकुर को थाना कोतवाली से थाना मारडूम, आरक्षक रवि सरदार को थाना कोतवाली से कैंप कॉलिंग थाना दरभा भेजा गया है, जबकि आरक्षक सत्यनारायण गोयल को थाना नगरनार से थाना बुरगुम स्थानांतरित किया गया है। और अब वक्त हो चला है छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद मिलते हैं और खबरों के साथ। सफर जगतुगुड़ा से जगदलपुर का नित नई करवट लेता शहर हमारा, चौक चौराहों से होता हुआ विकास की गाथाएं गढ़ता बस्तर हमारा, कई रंगों से सराबोर कितनी ही कहानियों को समेटे, कहीं विकास के सोपान तो कहीं सरकारी दावे और उनका सच। आतंक से दहलते जंगल, जमीन और जीवन, साहस और धैर्य से करवट लेती जिंदगी, राजनीति की चौसर के जाने अनजाने दांव, व्यवस्था की खूबी कमी और खामी, खूबसूरत नजारे, अब होगी हर बात हमारे साथ, बस्तर की बात। देश की जानी मानी इंटरनेट प्रोवाइडर कंपनी रेलटेल अब अपने शहर जगदलपुर में उपलब्ध। केबल टीवी और ब्रॉडबैंड पाइए एक साथ, बेहतर सर्विस, शानदार गुणवत्ता, हमेशा एक जैसी स्पीड यानी 100 Mbps। लॉन्चिंग अवसर पर पाइए विशेष छूट, राज्य के शासकीय कर्मचारियों हेतु 10% की छूट, साथ ही रेलवे कर्मचारियों के लिए विशेष छूट का प्रावधान। इंटरनेट कनेक्शन हेतु तत्काल अपने केबल ऑपरेटर से संपर्क करें या कॉल करें 9425262386 पर या 9617185020 पर। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है, आइए बढ़ते हैं बस्तर की बात में। आचार्य चाणक्य के जन्मदिन के अवसर पर सर्व ब्राह्मण समाज द्वारा विश्व ब्राह्मण दिवस मनाया गया। सर्वोपरि ब्राह्मण समाज भवन में वरिष्ठ विप्रवरों के द्वारा अपने अपने क्षेत्र में अपने कार्य और सेवा की छाप छोड़ने वाले अंचल के प्रख्यात विभूतियों का सम्मान किया गया। 60 वर्षों से लगातार चिकित्सा के क्षेत्र में सेवा देने वाले 80 वर्षीय चिकित्सक डॉक्टर जेपी शुक्ला सम्मान पाकर भाव विभोर हो गए। इसके साथ ही तत्कालीन राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी के हाथों सम्मानित सुश्री उर्मिला आचार्य पहली बार विप्रवरों के हाथों सम्मान मिलने पर खुशी की अनुभूति से आह्लादित थी। वहीं अंचल के हल्बी भत्री के प्रख्यात रचनाकार कवि राजपुरोहित पंडित जोगेंद्र महापात्र जोगी ने भी सम्मान पाया।
जबकि अंचल के युवा शिक्षक, जिन्हें बस्तर के सुदूर अंचलों में आदिवासी बच्चों को अंग्रेजी में अच्छी क्षमताओं को विकसित करने 2021 में राष्ट्रपति पुरस्कार से सम्मानित युवा शिक्षक डॉक्टर प्रमोद कुमार शुक्ल को भी सम्मानित किया गया। कवि अंजलि मिश्रा भी इस मौके पर सम्मानित हुई। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि शिक्षाविद डॉक्टर बी एल झा उपस्थित थे। उन्होंने आचार्य चाणक्य के जीवन पर प्रकाश डाला। कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे पंडित चंद्रकांत त्रिपाठी ने आचार्य चाणक्य के विषय के बारे में जानकारी दी। साथ ही उनके नीति शास्त्र के अनुसार चलने से राज्य की जनता को खुशहाल होना बताया और राज्य के लोगों के प्रति एक विश्वास की भावना इससे जागती है। विशिष्ट अतिथि डॉक्टर सुषमा झा और शैल दुबे, संजय पांडे ने भी समस्त विप्रवरों को आचार्य चाणक्य के बताए मार्ग पर चलने की बात कही। इस अवसर पर कार्यक्रम का आभार मानते हुए सर्व ब्राह्मण समाज के संभाग अध्यक्ष संजीव शर्मा ने ब्राह्मण समाज के सभी युवाओं को आचार्य चाणक्य के पद चिन्हों पर चलने की अपील की और सभी ब्राह्मणों को एकजुट होने का आह्वान किया। कार्यक्रम का संचालन अनिल सामंत ने किया। पानी जीवनदायक है और इसकी बचत और इसका इस्तेमाल हमें सोच समझ कर करना चाहिए, लेकिन अक्सर पानी का अपव्यय देखने को मिलता है। लोग व्यक्तिगत रूप से पानी का दुरुपयोग तो करते ही हैं, साथ ही विभागीय लापरवाहियां भी कम नहीं होती। पुलिस पेट्रोल पंप से लालबाग जाने की सड़क पर स्थित कैथोलिक चर्च के सामने नल पाइपलाइन फटने से विगत 4 दिनों से पेयजल की बर्बादी हो रही है। वहीं सड़क के दोनों ओर लगातार पानी बहने से लोगों को आने जाने में भी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। शिकायत के बावजूद पीएचई विभाग द्वारा अब तक पाइपलाइन को सुधारा नहीं गया है। लोग इसके सुधार की मांग कर रहे हैं। सड़क के दोनों ओर पानी इस तरह निकल रहा है मानो कोई प्राकृतिक जल स्रोत निकल आया हो। पीएचई विभाग से इस समस्या की समाधान की अपील लोगों ने की है। चलते चलते एक नजर फिर से आज की हेडलाइंस पर। अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के ऋण लेने के इच्छुक व्यक्तियों से 25 जून तक आवेदन आमंत्रित। दलपत सागर सड़क चौड़ीकरण के लिए पेड़ कटाई का हो रहा विरोध। पुलिस विभाग में हुई फेरबदल, गेंदले को वापस यातायात का प्रभार दिया गया। और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का प्रांत स्तरीय संघ शिक्षा वर्ग प्रथम वर्ष का हुआ आयोजन। बस्तर की बात में आज बस इतना ही। कल आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।